हाँ जी पापा, हाँ जी हाँ जी, बस निकल गए 2 मिनट में। जी 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 पहुंच रहे, ओके सी यू सून, बाय बाय। अधिका जल्दी यार, अधिका कितना टाइम लगेगा यार, वहां पे केक काटने के लिए लोग वेट कर रहे। आप इतने सुंदर लगेंगे तो गुस्सा छोड़, मैं तो पिघल ही जाऊंगा। ये हम नहीं, ये तो आपकी नजरें इतनी खूबसूरत है जनाब, जो हम ऐसे देखते हैं। वाह क्या बात है, हमें लगता है कि आपके अम्मी और अब्बू का कॉम्बिनेशन इतना क्रेजी था ना कि प्रोडक्ट तो बवाल निकल नहीं था। जी यार कितना चीप हो गया, तुझे पता है। अच्छा सुनना, मैं क्या कह रहा था कि आपको देख के ना थोड़े से ख्यालात है वो बदल गए, तो हम डेजर्ट यहाँ खा के चलते हैं और डिनर बाहर कर लेंगे। अब लेट नहीं हो रहा है तुम्हें, जल्दी कैब बुक करो यार, वैसे भी पीक आ जाए, बहुत टाइम लगेगा। इन ड्राइव ऐप से कैब बुक कर लेते हैं, 5 मिनट में नीचे आ जाइए। अब इसके लिए तुम एक्स्ट्रा पे करोगे? यूजुअल फेयर से कम होगा। सी यहाँ पे लोकेशन डाली एंड इस ऐप पे तुम अकॉर्डिंगली फेयर चूज कर सकते हो और अपनी चॉइस की कैब और ड्राइवर भी चूज कर सकते हो। तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए यार। मैं पहले ही स्मार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट मंथ की दुबई की आइटनरी भी तुम ही प्लान करना। बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मतलब मैंने सबको बता दिया कि सबसे पहले हम बुर्ज खलीफा तो जाएंगे, डे वन पे जाना है प्लीज यार। हाँ उसके बाद हम डेजर्ट सफारी और फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि हम ना वहाँ का ना कैंसिल करनी पड़ेगी। मैं तुमको पहले बताना चाह रहा था बट मैं बता नहीं पाया था। अधिका प्लीज लिसन टू मी यार, बॉस ने इंपॉर्टेंट टास्क दे दिया, सॉरी बट मैं क्या कहता? कह रहे थे प्रायर कमिटमेंट्स है मेरी। प्रायर बहुत इजी लगता है क्या? हाँ इजी लगता है मुझे, फॉर ग्रांटेड लेना। तू भी इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? छोटी सी बात, 6 महीने से प्लान कर रहे थे ना हम लोग ये ट्रिप। आकाश सर? हाँ जी सर, मैं बहादुर सिंह इन ड्राइव ऐप से। आपने कैब बुकिंग की है? हाँ जी सर, 2 मिनट। अब क्या करना है, प्लान कैंसिल कर दूं? तुम्हें लगता है जो सब हुआ इसके बाद मेरा जाने का मूड है? मेरे इमोशंस की तो पड़ी ही नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता है मेरे पे कितना प्रेशर रहता है? क्लाइंट्स बैठे हैं बैकलॉग्स कंप्लीट करने और मेरा बॉस मेरे सर पे बैठा है लाइक अ वल्चर टू सक ऑन माय ब्लड, और तुम ये बोल के और मेरा स्ट्रेस बढ़ाना चाहती हो। स्ट्रेस कम करने के लिए ट्रिप प्लान की थी ना सर। ये रिश्ते ना हमारे शहर की सड़कों की तरह होते हैं, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हाँ हाथ पकड़ के चलेंगे ना तो हाथ से नहीं होंगे। तुम जाओ, मैं दूसरी कैब में आ जाऊं। मैम जब मंजिल एक है तो सफर अलग क्यों? आइए ना मैम। गाना लगा दो सर। मैम नहीं भैया थैंक यू, वैसे ही टैक्सी का नाम मैंने खुशी रखा है। जिंदगी का सफर खुशियों से भरा होना चाहिए। एक बात कहूं सर, जैसे बारिश की ठंडक से पहले बिजली की गड़गड़ाहट होती है ना, वैसे ही झगड़े के बाद हर एक रिश्ते में मिठास आ जाती है। सुनने में अच्छा लगता है भैया ये बातें, जब दिल टूटता है ना तो बिखरी हुई चीजों को समेटने में बहुत वक्त लग जाता है। सबको अपनी प्रॉब्लम्स और दुख बड़ा ही लगता है। सर हम दिक्कत की तरफ देखें क्यों, हम समाधान के बारे में क्यों ना सोचें, तो दिक्कत आएगी क्यों? लोग इतना समझ जाएं तो दूसरे के इमोशंस हर्ट ना करें ना। सॉरी बोला ना मैंने, तो नहीं क्रिएट करती मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ।
और अपना वार्डरोब बरमूडा ट्रायंगल जैसा बना के भी नहीं रखती हूँ। एटलीस्ट मैं अपने घर वालों के बर्थडे और एनिवर्सरी तो नहीं भूलता। एक बार भूली थी, उसके लिए भी मैंने सॉरी बोल दिया था खाला को। जब भी तुम्हारे पे बात आती है ना, तुम राहुल द्रविड से ज्यादा डिफेंसिव हो जाती हो और समझती बिल्कुल भी नहीं हो। मैं नहीं समझती हूँ। हाँ? You know that I'm a non-veg lover. फिर भी हम लोग वेज रेस्टोरेंट जाते हैं because you like it. मैं समझती हूँ। आर्गुमेंट कर रही है ना तुमको? आओ करते हैं। चलो ठीक है, let's start. हाँ? हम हमारे जब बच्चे होंगे, ठीक है? तो वो क्या ट्रेडिशन फॉलो करेंगे? हम जब शादी करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे? तुम्हारे हिसाब से या मेरे हिसाब से? हाँ? वो वेज खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे? उनका नाम क्या रखेंगे? हाँ, तो प्रॉब्लम बढ़ाते हैं ना, सॉल्व क्यों करनी है? गलती हो गई इस कैब में बैठ के ना। गलती का तो जो शब्द है ना, वो सिर्फ मेरी डिक्शनरी में है, क्योंकि गलती तो हमेशा मेरी होती है, और अगर गलती से भी गलती मेरी नहीं हुई तो गलती कैसे हुई, है ना? सर आप इजाजत दे तो एक बार शांत होकर मेरी बात सुन लीजिए। सर अभी बिल्कुल मन सा नहीं है कोई भी बातें करने का, प्लीज गाड़ी चलाइए। क्यों? अब तो ये हो ही जाए ना भैया, जब सारी बातें सामने हो रही है ये भी हो जाए। अब समस्या बताएं, समाधान हम ढूंढ लेंगे। समस्या कुछ नहीं भैया, बस यही है कि 6 महीने से हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि आकाश का नेक्स्ट बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे दुबई जाके। सारी बुकिंग्स हो चुकी है, सब प्लानिंग हो चुकी है, सर के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि सर के पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है जो उन्हें कंप्लीट करना है। कंपनी डाउनसाइज कर रही है, रिस्क ले नहीं सकता और प्रोजेक्ट को मना नहीं कर सकता। और ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। क्या फायदा से फ्यूचर का, प्रेजेंट समझ नहीं रहा। 1 साल में सर शादी है, ड्रीम वेडिंग के लिए अपने खर्चे सैक्रिफाइस करके पैसे जोड़ो, बट किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पॉइंट मार लो बस। सर दो लोगों में इसलिए झगड़ा होता है कि दोनों खुद को तो सही मानते हैं और दूसरे को गलत, बस इस ईगो को हराते हैं। रहने दो बहादुर जी, आप एक काम करो सर, आप यूटर्न ले लीजिए, अब तो मूड नहीं कहीं जाने का, आप यूटर्न ले लीजिए। इसमें मम्मी पापा की क्या गलती? अब क्या इसमें भी फोर्स करोगी क्या? ले लीजिए आप यूटर्न, ले लीजिए, वापस चलते हैं, नहीं जा रहे। चाचा, अरे बबली बेटा, कैसे हो बेटा? मैं एक नंबर। आप चाची के लिए आज फूल ले लो ना, थैंक यू वाला गेम भी तो खेलना है ना। ला दो। अच्छा बेटा एक काम करो, आज 4 फूल दे दो। वो ना मेरी और मेरी वाइफ की जब कभी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है ना, तब हम एक गुलाब हाथ में रखकर बीते दिन को याद करके एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि कई बार हम छोटे झगड़ों में वो बड़े दिन भूल जाते हैं जो प्यार से एक दूसरे के साथ बिताए थे। बहुत अच्छा तरीका है बहादुर जी। आज 2 गुलाब एक्स्ट्रा लिए मैंने, आप चाहे तो ट्राई करके देखिए। 700 करोड़ लोग हैं इस धरती पर आप दोनों ने एक दूसरे को चुना है, इसलिए कई बार रिश्तों में यादों का फिल्टर लगाना जरूरी होता है, ये बताने के लिए कि हम एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। याद है मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी थी, दर्द क्या होता है पता ही नहीं लगा, उसके लिए थैंक यू। जब हमारे डॉग की डेथ हो गई थी और मैं इतनी उदास थी, तब इस लड़की को फिर से हंसाने के लिए थैंक यू। हर सुबह मुझे गुड मॉर्निंग वॉइस नोट्स भेजने के लिए थैंक यू।
हर सुबह वो स्टूपिड मीम्स भेजने के लिए थैंक यू, जिससे मूड ठीक हो जाता था। मुझे चाय बनाना सिखाने के लिए थैंक यू। मुझे स्कूटी चलाना सिखाने के लिए थैंक यू। ईद हो या दिवाली, हर त्योहार में खुशियां भरने के लिए थैंक यू। प्यार ही हमारा सच्चा धर्म है, ये सिखाने के लिए थैंक यू। हाँ देखूं तुझको राहत आए कैसी तेरी ये आदत, हाय जग से छुपा तो लेते हैं हम कैसे, तुझसे इश्क छुपाएं कैसे बताएं, लब हैं सिले ये कुछ सिलसिले ऐसे भी बाहों में भर लें, जाने ना दें थम जाए वक्त जैसे ही, ये आँखों में जो समंदर है हर दम इसमें तू बहती है, मैं कैसे संभालूं इस दिल को भरा, दिल में तो तू रहती है। हाँ दूरियां ये अब ना गवारा, अब ना गवारा, आंखें हर पल मांगे तेरा नजारा, ये चेहरा तुम्हारा, ये दुनिया अलग है तेरी और मेरी, मगर आसमां फिर भी एक ही है, मैं कैसे संभालूं इस दिल को भरा, दिल में तो तू रहती है। अब अगर गुस्सा आंखों से बह गया हो तो चले। बहादुर जी आपको रिश्तों की बड़ी परख है, हा? आपकी क्या कहानी है? अफसाना नाम है उसका, मैं हिंदू हूँ और वो मुसलमान। देखिए उस जमाने में तो मतलब ये रिश्ते के बारे में सोचना भी गुनाह था, लेकिन हम दोनों ने हार नहीं मानी। मैंने दरगाह में चादर चढ़ाई तो उसने मंदिर में प्रसाद बांटा, अजान हो या आरती दोनों ने हमारे इश्क को राह दिखाई, और आज देखिए बढ़िया चल रहा है उसके साथ। मजहब की बेड़ियां तोड़ देता है ये इश्क है जनाब, दो दिलों को जोड़ देता है। क्या बात है, बहुत प्यारी कहानी आपकी। हाँ लेकिन हम आज भी लड़ते हैं आपकी तरह, लेकिन हर झगड़े के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाता है। जिस प्यार में झगड़ा मनमुटाव ना हो ना तो वो प्यार नहीं समझौता है। वैसे बहादुर जी आप दोनों में जब झगड़ा होता है तो पहले सॉरी कौन बोलता है? जिसको पहले झगड़ा खत्म करना हो वो सॉरी बोल देता है। सॉरी, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। अनलाइक योर बॉस। सर आपकी लोकेशन आ गई। थैंक यू सो मच बहादुर जी, बहुत मजा आया सर राइड करके। वेलकम सर, पार्टी एंजॉय कर लिया। यस सर बिल्कुल, और सर ये रहे आपके 5 स्टार। गुड नाइट सर, थैंक यू। हमारी लड़ाई तो सॉर्ट आउट करा दी आपने, अब अपनी कब करेंगे? थैंक यू। थैंक यू सर। मेकअप ठीक लग रहा है ना?
बिना मेकअप के अच्छी लगती है और गुस्से में तो बहुत अच्छी लगती है। मैं सीरियसली पूछ रही थी। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। बाकी सीरियसनेस में तुझे डेजर्ट खा के पाऊंगा। जी यार। रिलेशनशिप एक होता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स अनेक होती हैं। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो लोगों के मिलने पर सॉल्व ना हो, फिर चाहे वो लोग अपने हो या अनजाने। जितना भी देखूं दिल बता नहीं, जो चाहा था बिल्कुल तू ऐसी ही है। मैं कैसे संभालूं इस दिल को भरा।